बड़ी खबर जालौन से आ रही है। जिलाधिकारी जालौन की अच्छी और सकारात्मक पहल। अब FPO के माध्यम से किसान बेच सकेंगे अपनी फसल। 24 घंटे के अंदर होगा भुगतान। बिचौलियों से किसानों को बचाने के लिए जिला प्रशासन की अनूठी पहल। ना ही घटतौली और ना ही रुपए मारे जाने का डर। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रही हैं News 30 एक्सप्रेस टीवी पर जालौन से, जहां जिलाधिकारी जालौन की पहल पर अब FPO के माध्यम से किसान अपनी फसल बेच सकेंगे। वहीं 24 घंटे के अंदर ही भुगतान भी हो जाएगा। बिचौलियों से किसानों को बचाने के लिए जिला प्रशासन की ये अच्छी और सकारात्मक अनूठी पहल है। इसमें ना ही घटतौली और ना ही रुपए मारे जाने का डर किसानों को सताएगा। बड़ी खबर जालौन से आप देख रहे हैं। जालौन से रामजी व्यास की रिपोर्ट। ज़्यादातर देखा जाता है कि किसानों के साथ पेमेंट को लेकर बड़ा इशू होता है, उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, तो उसको लेकर कोई खास मसौदा तैयार किया है, उस पर खास निगरानी के तौर पर चीज़ें तय हुई हैं। पिछले साल बहुत किसानों के साथ ये हुआ है कि उनकी मटर ले ली गई थी पर उनको भुगतान ही नहीं हुआ। इस बार FPO ने जो मसौदा तैयार किया है बायर्स के साथ, उसमें ये शर्त डाल दी है कि 24 घंटे के अंदर भुगतान किया जाए। तो ये अग्रीमेंट जो होगा, इस बाकायदा इसको मतलब पूरा अंजाम दिया जाएगा और जो भी FPO से किसान जुड़ेंगे उनको 24 घंटे के अंदर पेमेंट होने की गारंटी दी जाएगी। आज FPO के माध्यम से किसानों को एक गोष्ठी आयोजित हुई है, तो इसमें क्या कार्य योजना है, कैसे किसानों को बेहतर इसका लाभ मिलेगा, क्या योजना आपने तैयार की? जैसा कि आप सबको पता है, जनपद जालौन में मटर के उत्पादन रबी के मौसम में अधिक रूप से होती है, तो मटर की खरीद में पिछले साल यहाँ के किसानों को कुछ नुकसान हुआ था। कुछ ऐसे बिचौलिए थे जो पेमेंट नहीं कर पाए, नकली कांटे लगे और कुल मिला के सही कीमत किसानों को इस मटर की नहीं मिल पाई। इसी समस्या को हल करने के लिए यहाँ पे 2 FPO सृजित किए गए हैं, एक डकोर के लिए, डकोर ब्लॉक के लिए और एक जालौन ब्लॉक के लिए। तो आज डकोर ब्लॉक के FPO की आज गोष्ठी यहाँ पे आयोजित की गई थी, जिसका मकसद यही है कि सभी जो किसान हैं, जो सदस्य हैं FPO के, वो तो अपनी मटर FPO के माध्यम से बेचेंगे ही, साथ में और भी सदस्य और भी किसान इस FPO से जुड़े और कुल मिला के इसका फ़ायदा ये रहेगा कि हमें जो बीच बीच में कटौतियाँ जो गलत रूप से होती थी उस पर विराम लग सके। इसके अलावा किसानों को सही दाम मिल सके और जो लाने ले जाने में जो नुकसान होता था किसान को, उसमें FPO की सहायता है। किसान जो सरकार की मंशा है कि किसान की आय दोगुनी हो, ये FPO के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये हासिल हो और जनपद स्तर पर इसके लिए एक बड़ी वृहद स्तर की MOU साइनिंग सेरेमनी होगी, जिसमें कुछ खरीदार हैं, जैसे ITC एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने रुचि ली है यहाँ के किसानों से मटर खरीदने में FPO के माध्यम से। तो ऐसे खरीदारों और FPO के प्रतिनिधियों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाएगा और ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जनपद स्तर पर होगा। हमारे सब जनप्रतिनिधि इसमें प्रतिभाग करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि कार्यक्रम सफल होने के बाद जो सदस्य हैं, लगभग 300 किसान जुड़े हुए हैं इस डकोर FPO से, इन सबकी आय में आपको बहुत वृद्धि दिखेगी।